हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग घर से निकल पड़े हैं एक लंबे सफर में। तो अभी गांव जा रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हम लोग कोकर में हैं। तो अभी कटाटोली होते हुए निकलना पड़ेगा क्योंकि यहां थोड़ा सा अभी जाम सा मिलेगा। यहां फ्लाई ओवर बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा। तो यहाँ से सीधे निकलेंगे हम कटरा लोधमा होते हुए, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। कटरा लोधमा तक थोड़ा सा रोड खराब है, फिर भी उधर से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर खाली खाली रास्ता रहता है, इसलिए थोड़ा मजा आएगा भाई साहब। और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ का देखते हुए मिलता हुआ और इधर काम चलता हुआ। बहुत ज़्यादा ठंडा था सुबह, इसके वजह से अभी लेट से निकले हैं। 9:30 कितना बज गया है तब। अभी आराम से ही चलना है, कोई हड़बड़ी भी नहीं है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है भाई साहब। अभी धूप पड़ा है ना, तभी मज़ा आएगा जाने में। बस थोड़ा सा टाउन निकलने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर आराम से उधर खाली खाली रास्ता निकल जाएंगे। काटा टोली का नज़ारा भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्या है क्या नहीं। ऐसा गुंजाइश नहीं है और अपना गाड़ी पूरा अभी चकाचक हो गया है, तेल पूरा फुल कर दिए हैं, गाड़ी सर्विसिंग हो गया है, सब बेल्ट वेल्ट सब नया कर दिए हैं। अभी इसलिए अभी दिक्कत नहीं है, अभी लंबा जाना है। इसे बोल के बेल्ट पूरा ख़राब हो चुका था, फट फट गया था बीच में, तो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता था, इसके वजह से इसको चेंज करना पड़ा है। में दिक्कत नहीं होगी भाई, कहीं भी जाएंगे तो आराम से निकल जाएंगे। और वो एक डर रहता है ना, उसमें कुछ भी हो जाएगा तो कहाँ का करें क्या नहीं करें। तो ऐसे जगह में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और यह कटा टोली का सीनारी कुछ बनेगा तब मज़ा आएगा, भीड़ नहीं होगा। अभी नहीं बना है, तब तक तो भीड़ रहेगा ही रहेगा। टाउन से निकलने में थोड़ा समय लगे, उसके बाद तो भाई सब निकल जाएंगे आराम से। तो भाई जब अभी हम लोग फाइनली टाउन से बाहर निकल गए हैं, अभी धुरुआ की तरफ हैं। और इधर देख सकते हो स्मार्ट सिटी इधर ही बन रहा है। तो इधर का रोड कुछ ऐसे बना दिए, काफ़ी बढ़िया है, देखने भी मस्त लग रहा है, एकदम चकाचक। रांची के बाहर बाहर बना रहा है स्मार्ट सिटी, रांची के अंदर तो पूरा सा रोड का कंडीशन सही नहीं है और भीड़ भाड़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली अभी हम लोग टाउन से निकल गए हैं, अब इधर एकदम खाली खाली रास्ता मिलने वाला है, इधर आराम से एकदम चलना है। अभी धूप भी पड़ रहा है, अभी ठंडा का भी उतना महसूस नहीं रहता, क्योंकि पूरा पैक हो गए हैं अभी, ग्लव्स व्लव्स जैकेट वैकेट जूता वूटा सब फुल टू टाइट है भाई साहब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से अब चलना है बस इसी लाइफ है। थोड़ा सा आगे में रास्ता खराब है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर मेन रोड पकड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन ठंडा की वजह से लेट से निकले, 9:30 बस। अभी तक बहुत दूर, अभी बहुत कवर किए होते अभी तक हम लोग, नहीं तो धुरुआ डैम पहुँच रहे हैं। धुरुआ डैम, उसके बाद लोधमा, कटरा, फिर कमडरा, फिर मेन रोड मिलेगा।
सर्दी हो गया, पूरा ठंडक है, नाक से पानी निकल रहा है। इधर दुर्वाड़े हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से भी। और यहाँ से कड़रा 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर 5-10 मिनट लगेगा, 10 किलोमीटर 10 मिनट 6 किलोमीटर उससे कम लग सकता है, देखते हैं क्या है। और इधर पूरा ठंडा लग रहा है भाई साहब, पेड़ सब केवल है ना इधर, इसलिए पूरा ठंडा लग रहा है। पैंट जीन्स ठंडा हो जाता है तो पूरा ठंडा डालने लगता है, ऐसे ऊपर तो ठंडा नहीं लग रहा है, बस घुटना घुटना आसपास पूरा ठंडा लग रहा है। इधर पूरा पेड़ है रोड के किनारे किनारे, इसके वजह से पूरा रोड में छाया पड़ रहा है, तो उसी की वजह से ठंडा लग रहा है। कड़रा पहुँचेंगे, उसके बाद कमदारा, कैंची मोड़ पे कमदारा आएगा भाई। तो काफ़ी लंबा रूट है अभी, और घर पहुँच के घर में बहुत सारा काम धंधा करना है अभी, तैयारी क्रिसमस का। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं, और बाकी लोग कल आएगा, तो आज हम लोग पहले पहुँचेंगे। और सिमडेगा देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं, अभी कितना बज रहा है पता नहीं, 10 बज गया होगा, कितना बजा है तब। गाड़ी उड़ी तभी देखे नहीं, मोबाइल भी नहीं देख पा रहे हैं अभी, चलाते कैसे देखोगे, बस कंटिन्यूसली चलते रहना है भाई साहब। ऐसे धूप मिल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है, और जहाँ पेड़ का छाया आता है वहीं पर ठंडा लगता है। जाओ जाओ जाओ, कर रहा 4 किलोमीटर। ये रोड को ना ऊपर से बनाते हैं ना, वो वाला मज़ा नहीं अब चलाने, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, इतना प्लेन नहीं रहता इसमें, इसी की वजह से थोड़ा सा। और आगे में थोड़ा सा ख़राब है रास्ता, बाकी बात तो बढ़िया है, दो जगह खराब है आगे में रास्ता, बस वही में थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। तो वही जब भी कड़रा पहुँच गए तो यहाँ से खोटी तोरपा के लिए जा सकते हैं, तोरपा निकल सकते हैं यहाँ से, तो उसको नहीं निकलेंगे सीधे तो हम डरा ही निकलेंगे, तोरपा से फिर उधर ही निकलना पड़ेगा। रोड खराब है फिर भी चलेगा भाई, ये है कड़रा, यहाँ से खोटी और तोरपा के लिए जा सकते हो। उनको ले जाना है सीधा सीधा कैंची मोड़ होते हुए कमदारा निकलेंगे। क्रिसमस का सिंगर पत्थर सब लगा हुआ इधर साइड साइड में, पूरा जोरों शोरों से तैयारी चल रहा होगा गांव घर में, सब चरनी बना रहे, क्या बना रहे, सब अपना अपना एक्टिविटी सब। यहाँ का जंगल थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा हैंग कर गया था इसलिए पूरा शूट नहीं हो पाया पीछे की तरफ, फिर भी इधर देख सकते हो कुछ नज़ारा ऐसे दिखता है। ओनली सखुआ का पेड़ यहाँ देखने को मिलेगा भाई, पूरा ठंडा है इसे यहाँ पर, पूरा छाया है ना, पूरा जंगल है छोटा सा, पूरा ठंडा ठंडा लगता है, गर्मी देने मस्त लगता है यहाँ पर। वो भाई साहब कुआँ बन गए हैं, इतना ज़्यादा रास्ता खराब है, रोड खराब बहुत ज़्यादा है, और आगे दो जगह रोड खराब मिलने वाला है, तो ऐसे ही रोड है अभी, बढ़िया है इधर का रोड, बस दो जगह खराब मिलेगा, बाकी बात तो बढ़िया है, कोई शिकायत करने लायक नहीं है भाई इसमें। और अभी देख सकते हो इधर सब हरे भरे दिखते थे बरसात का दिन, अभी सब धान कटा के सब चला गया घर की तरफ। ठंडा तो है भाई साहब, ठंडा है गांव में तो और ठंडा लगेगा, जाके देखेंगे तो पता चलेगा आज शाम में और कल सुबह, आज से पता चलेगा शाम से, अभी गांव में खुला खुला हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर ठंडा तो लगना तय है, जाके
देखते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे है। लगता है ठंडा, पता चलेगा। रांची में तो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो भाई जो अभी कामदारा पहुंच गए, अगर मेन रोड से आते तो इधर करते हैं, लोकेशन है इधर कामदारा चौक, वहां से सस्ता पड़ता है और इधर चीज का। तो अभी मेन रोड पकड़ लिए हैं, सीधा सीधा इसी में चलना है, सीधा सीन रहेगा, घंटा रहेगा। रोड चकाचक मिलेगा बस, ऐसे ही रोड है इधर। अब इधर रोड खराब नहीं मिलेगा, आप बढ़िया है इधर, तो चमचमाते हुए चलते रहोगे। और यहाँ से 1.5-2 घंटा लगने वाला है। और यहाँ से नज़ारा चेक करो भाई साहब, कितना खूबसूरत पहाड़ दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा सा झूला झूला दिख रहे थे, उतना अच्छा नहीं दिखेगा नज़ारा। कुहासा कुहासा, अभी ठंडा का मौसम है, कुहासा कुहासा दिखता है, सब तरफ कोहरा है। सुबह सुबह आने का वक्त दिखता है, अभी थोड़ा सा 12 बज रहा है अभी, तो इसके वजह से थोड़ा सा साफ हो गया मौसम, तो अभी बढ़िया है। यहाँ पे पूरा जाम लग गया है, ट्रक खराब हो गया है बीच रास्ता में, इसके वजह से यहाँ थोड़ा सा जाम रुकना पड़ रहा है। जब घाटी क्षेत्र शुरू होता है, आगे है जिलावी घाटी, ट्रक ट्रक चढ़ने नहीं सक रहे यहाँ पे। जिस तरह से अभी घाटी चक्कर शुरू हो चुका है, आगे में जिलावी घाटी है जो कि फेमस है, इस रूट पर आगे देखने को मिलेगा। अक्सर यहाँ पे रात तक चलाते रहता है, लेकिन अभी सिचुएशन नहीं है। घाटी कुछ खतरनाक है यहाँ पे, पिछले बार यहाँ पे नया फर्स्ट किया था, होते रहते हैं थोड़ा सा थोड़ा मतलब नजर होती है दुर्घटना होती है रखता है जमीन द्वारा। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो ऐसे हाल है, इसका हालत खराब है यहाँ पर भाई, इतना दिन से पड़ा है, चढ़ने में चढ़ने मतलब खराब हो गया है, पीछे लाउड रहा था तो पूरा वहाँ पे टोटल कर लगा के ठीक कर लिया। तीन लगभग 25 किलोमीटर बाकी है, और यहाँ से यहाँ खराब सब खराब 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 जिसमें बीता हुआ है पूरा घाटी। A heart speed to the city street, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings. 143. So guys, here is Jilavi Ghati. So Jilavi is here. Jilavi is here. Thank you.
देखते हैं हमारी जगह। घाटी क्षेत्र इस तरह से खत्म होता है, खत्म है एक छोटा मोटा और बाकी है ये है आगे भी, लेकिन मेन घाटी पर जो था ना वो यहीं पर था, इधर नहीं मिलेगा। तो भाई इस तरह से तीन घंटे का पहुंच गए, टाइम कितना हो रहा पता नहीं, देखने नहीं पहुँच रहे टाइम, बता नहीं पाऊंगा कितना टाइम बज रहा होगा, डेढ़ भी बज रहा होगा, दो बज रहा होगा अभी। तो तीन बजे अभी पधार चुके हैं, तो तीन बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ये है प्रिंस चौक, भाई खूब भाड़ा का देखो भाई उसका तीन बजे में सब क्रिसमस तो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना तो उसमें जगह भीड़ रहते ही रहते हैं, तो अभी तो खतरनाक भीड़ रहेगा। किसको लेना है तो भाई सब भीड़ है। तो ये है सिमडेगा का बस पड़ाव, गाड़ी निकल रहा है रांची वाला, ये सब को रखे रहो यहीं से। हाय भाई आते हैं, तो गए जी रहा सिमडेगा का बस स्टैंड, कुछ ऐसा दिखता हुआ, कुछ काम है तो पहले काम वाला को जाते हैं, उसके बाद जो लेना है वो लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, ढाई बस निकल रहा है, दो बज गया है, अभी थोड़ा आराम लगा है। बहुत ज्यादा सामान था तो पैर रखने नहीं बन रहा, इसलिए मजा नहीं आ रहा था, अभी ना मजा आ रहा है। देखते हैं जाके बन गया है कि नहीं बना है, लाइसेंस काम था यहाँ पे।
तो वही जब सिमडेगा से निकल गए हैं घर के लिए, और इधर गर्जा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे नीचे जाना है गर्जा तक, तो पूरा गर्जा पहाड़ है। तो अभी यहाँ से कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मान के चलो, आगे में थोड़ा सा रोड खराब है घर घुसने की तरफ, थोड़ा सा उधर तो स्लो ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो अभी बढ़िया ही रोड है, उतना खराब नहीं है इधर, बीच बीच में बस उखड़ रहा है ऐसे, कूड़े सा रही गाड़ी, कूड़े ठंडा लगने चालू हो गया। इधर 3 बज गया है और गर्जा पहाड़ है ये सामने देख रहे हैं, वो सामने सूरज पड़ रहा है तो उतना बढ़िया नहीं दिखेगा मेरे भाई। बस इसी पहाड़ के नीचे नीचे जाना है कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और वो निकल जाएंगे आगे। बस बस हो जाएगा। तो भाई फाइनली अपना घर पहुंच ही गए, और कुछ दूर बाकी है, 5 मिनट लगे यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा कच्ची रोड मिलने वाले हैं। ये बस थोड़ा दूर, उसके बाद PCC बने, फिर उधर कच्ची रोड है, खराब मिलेगा। रास्ता बहुत ज्यादा खराब। जैसे बड़ा जैसे रांची से हाँ तीन दिन तो फुले रही तो हाँ वैसे वैसे कॉल पे कर नहीं ठीक तो सिरा दिला PCC बन ही गया का, PCC थोड़ा देर बन ही गया है, उधर बनाया था हाँ? हाँ? हाँ। रोड तो हालत खराब है, बनाया लेकिन सही नहीं बनाया। नहीं जाए कहाँ बना था उठान बड़ा दिक्कत कर भाई ने जैसे तो होने से घूम रहे पड़े ओहो बटे रोडे बना रहे हैं सब बटे खराब है खराब रोड बड़ा दिक्कत है रोड बन रोड हाँ
जय शिव नी चिन्ह है। और भाई रोड बन रहा है, कलवाट बन रहा है, गांव पहुंच गए। तो फाइनली तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए कम से कम 5 बजे आसपास, क्योंकि रुकते रुकते बाजार सब घुसते घुसते लेट ही हो गया। तो उससे पहले पहुंच सकते थे हम लोग 3 बजे आसपास, लेकिन सब चीज़ सामान वामान खरीदना, बाजार वजार सब घूमते फिरते रुकते रुकते आते रहते बहुत लेट हो गया। तो चलिए इस वीडियो कहीं पर ऑन कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि इससे वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।